Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are well. Today we are going to start our chemistry class, chapter 7, electrochemistry, topic 7.2, oxidation state. Oxidation state ko discuss karne se pehle main aapko ek baat revise karana chahti hu. Valency. Valency ko hum chapter 1 mein bhi discuss kar chuke hain. Valency ki do definitions hamare paas hain. First one, combining capacity of element with other elements. Combining capacity of element with other elements. कोई भी element किसी दूसरे element के साथ कैसे combine होता है? Example number one, H2O. H2O में हमारे पास एक oxygen का atom है और दो hydrogen के atom है. अब हाइड्रोजन का एक एटम इस ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन है और इसके साथ भी एक एटम कंबाइन है. हमने कहा है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, तो ये दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन है. दूसरा, इसकी एक और डेफिनेशन दूसरी ये भी हमारे पास है कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड्स बना रहा है. अगर अब हम वाटर के एग्जाम्पल में देखें तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बना रहा है. अब दो बॉन्ड मतलब इट्स मीन कि ऑक्सीजन ने हमारे पास कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? दो बॉन्ड्स. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या हो गई है? टू. अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है तो इसकी हमारे पास वैलेंसी क्या है? वन. यहाँ पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, इसकी भी वैलेंसी क्या है? वन. अब एग्जाम्पल नंबर टू हम देखते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल नंबर टू में MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे भी मैग्नीशियम दो क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है. मैग्नीशियम यहाँ पे सेंट्रल एटम है और क्लोरीन दोनों हमारे पास इसके साथ अटैच है. अब यहाँ पे भी क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ एक बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट या इसकी वैलेंसी प्लस टू है. और क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वन, यहाँ पे भी एक ही बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वन. अब हमारे पास यहाँ पे प्लस टू चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास माइनस चार्जेस है. प्लस टू का मतलब यह है कि मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा है तो ये लॉस कर सकता है, तो दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या इसकी वैलेंसी हमारे पास प्लस टू आती है. जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये मैग्नीशियम से ले लेगा तो इसकी हमारे पास वैलेंसी जो है वो माइनस वन आ जाएगी. यहाँ पे भी सेम यही बात है. अब एग्जाम्पल हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है K2O2, पोटाशियम पर ऑक्साइड. अब पोटाशियम पर ऑक्साइड में हमारे पास दो एटम पोटाशियम के हैं.